हाय एवरीवन, मैं नीलम सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको हेड मसाज। वैसे कि हम अपने बालों की तो बहुत ही देख रेख करते हैं, और जैसे हमारे बालों का रूखापन कैसे दूर हो जाए, हमारे बाल छिलके स्मूथ और लॉन्ग कैसे हुए, ये सारे टेंशन हमें हमेशा परेशान करते रहता है। तो ऐसे तो हम बहुत सारे घरेलू टिप्स यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंस है हेड मसाज। हम अपने बालों के हेयर मसाज अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हमारे बाल बिल्कुल स्मूथ सिल्की और लॉन्ग नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे बालों में सबसे इम्पॉर्टेंस है हेयर मसाज। तो हेयर मसाज आप टाइम टाइम करती रहे तो आपके हेयर के प्रॉब्लम सारे बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको हेड मसाज करना, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तेल बताऊंगी। बहुत लोगों की समस्या होती है कि उनके बाल नहीं बढ़ते हैं, वैसे कोकोनट हेयर ऑयल तो बेस्ट है। मैं अपने बालों में कोकोनट हेयर ऑयल ही यूज करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कोकोनट हेयर ऑयल और ये ऑयली ऑयल और कस्टर ऑयल, इन सभी को मिला के भी मैं कभी कभी यूज़ अपने बालों में करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके बाल जितने भी डैमेज हुए रहते हैं या जो भी प्रॉब्लम रहती है आपके बालों में, ईजिली दूर हो जाता है। तो कभी कभी सप्ताह में या महीने में एक या दो बार आप इस तेल को जरूर यूज करें, इससे आपके बालों की समस्या जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आज मैंने जो तेल लिया है, आइए दिखाती हूँ कि आज हेयर मसाज के लिए मैंने कौन कौन से तेल यूज किया है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा आपके बालों के लिए, और इसे बाल की सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या तेल चाहिए हम। आज मैंने जो तेल यूज किया है वो है कोकोनट हेयर ऑयल पतंजलि का। वैसे आप जो कोकोनट हेयर ऑयल यूज करती हैं आप वो ले सकती हैं। फिर मैंने लिया है फिगारो का ऑयली ऑयल, और ये लिया है मैंने कस्टर ऑयल, और ये मैंने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल। तो इन सभी को मिला के मैं एक तेल तैयार करूंगी। जब भी आप ये तेल लगाएं, तेल की मात्रा ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, और इसे अगर आप नाइट में लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नाइट में लगा के आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकती हैं अपने बालों में। तो हम लेंगे 2 टेबल स्पून लेंगे ये कोकोनट हेयर ऑयल, और 2 टेबल स्पून के ही लगभग लेंगे ऑयली ऑयल। कैस्टर ऑयल हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसे हम बस 1 टीस्पून ही लेंगे, और कैप्सूल की जो टैबलेट है इसे हम 4 लेंगे। तेल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसे अब हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए कॉटन हमारा सबसे बेस्ट है। कॉटन की मदद से अगर आप बालों में अप्लाई करते हैं ऑयल, तो ये क्या है कि हमारे कपड़ों पे नहीं गिरेगा और अच्छी तरह से हमारे बालों में ऑयल मसाज हो जाएगा। तो हम कॉटन की सहायता से ही तेल अपने बालों में लगाएंगे। हम अपने बालों को अच्छी तरह कॉम कर लेंगे, और तेल लगाने से पहले आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, जिससे कि तेल हमारे बालों में ज़्यादा फायदेमंद। खास तौर से जब ये ऑयल आप अपने बालों में लगा रही हैं तो उस समय बाल आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, ताकि ये बालों पे आपके जाए और असर करे और आपके बालों की सारी समस्या दूर हो जाए। ये तेल हफ्ते में एक बार मैं अपने बालों पे यूज़ करती हूँ, जिससे कि आप देख सकती हैं मेरे बाल बहुत ही सुंदर सिल्की और स्मूथ हैं। इस तरह मेरे बाल में बहुत शाइन है, देख सकते हैं आप मेरे बालों को, क्योंकि ये तेल मैं हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ और मुझे तो बहुत ही फ़ायदा नज़र आता है अपने बालों में। इससे रूखेपन की शिकायत भी दूर हो गई मेरी, और मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत हो गए इस बार इस तेल को यूज करने से। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इस तेल को यूज करें, तो आपके भी बालों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए हम बाल में अपना तेल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कॉटन की सहायता से हम तेल लगाएंगे अपने बालों में। आप अपने बालों को अच्छी तरह कॉम्ब कर लें, और इसे 2 हिस्सों में कर लें, और इस तरह बालों के लेंथ तक से आप ऑयल को कॉटन की सहायता से लगा सकती हैं। दूसरे साइड में भी हम बालों में तेल अपना
लगाएंगे। मैंने सारा ऑयल अपने बालों में लगा लिया, देख सकती हैं मैंने जितना भी ऑयल लिया था उसे मैंने फिनिश कर दिया। अब हम करेंगे अपने बालों की अच्छे से मसाज। इसे आप 15 मिनट तक कंटिन्यू चप्पी करें। हेड मसाज से हमारे बालों को बहुत ही रिलैक्स मिलता है और हेड मसाज करने से हमारे बाल बहुत ही ग्रोथ करते हैं और अच्छे साइन आते हैं हमारे बालों में। बाल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। आप कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर मसाज करें अपने बालों में। हेयर मसाज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेयर मसाज करने से मैंने आपको बताया कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है सिर्फ ऑयल हेयर मसाज से। तो ऑयल हेयर मसाज आप अपने बालों में ज़रूर किया करें। मैंने पूरे लेंथ तक अपने बालों में ऑयल लगाया है और आप देख सकती हैं बहुत ही हैवली ऑयलिंग हो गया है मेरे बालों में। और इसी तरह जब भी आप तेल लगाएं अपने बालों में बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में तेल लगाएं और नाइट के समय में लगाएं और इसे ओवरनाइट छोड़ दें अपने बालों में और दूसरे दिन शैम्पू कर लें। इससे आपके बाल बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेंगे और इसके आपके बालों की डैंड्रफ की समस्या, बालों के रूखापन सारी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप ये तेल को बिल्कुल यूज़ करें। अब मैंने अपने बालों में चम्पी कर ली है, अब इसे हम कॉम्ब कर लेंगे। और आप अपने बालों में चोटी कर लें या आप अपने बालों में बन बना लें ताकि आपके बेड और कपड़े कुछ भी ख़राब नहीं हो। तो ये बताया मैंने आपको हेयर चम्पी करना जो कि, और ये तेल मैंने बताया आपको जो आपके बालों के हर समस्या को दूर करेगा। इसलिए इसे हफ्ते में कम से कम एक बार हैवी ऑयलिंग ज़रूर अपने बालों में करें और इसे नाइट के टाइम में ही करें ताकि ये ओवरनाइट आपके बालों में ज़्यादा असर कर सके और दूसरे दिन इसे आप शैम्पू कर लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। कुछ नए टिप्स के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।